YouTube पर वीडियो किस टाइम अपलोड करें। आप में से मैक्सिमम लोगों के एक ही कमेंट होता है, एक ही चीज़ पूछते हैं कि जब भी आप लोग हमारे पास फतेहपुर आते हैं, जब भी हमारे YouTube वाले बाबा जी के यहाँ पर फतेहपुर या फिर कानपुर आते हैं आप हमसे मिलने के लिए, तो आपके क्वेश्चन एक ये जरूर हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि भैया हम या सर हम अपनी वीडियो किस टाइम अपलोड करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल डिटेल से क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से, ठीक है ना, या फिर आप खुद से एनालाइज करके, जो कि मैं तरीके बताऊंगा एनालाइज करने के, उस तरीके से अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो जैसे मेरे चैनल पर मेरा चैनल ग्रो हुआ, मेरी वीडियोस वायरल हुई, उस तरीके से आप भी अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो, अपनी वीडियो ग्रो कर सकते हो, अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो और अच्छा खासा अपने चैनल पर सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, व्यूज और पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों के हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है कि भैया हमारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारा वीडियो वायरल ही नहीं होता, पहले वीडियो पर बहुत अच्छा व्यूज़ आता था, अब व्यूज़ आना बंद हो गया। कहीं ना कहीं आपकी वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग गलत है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आखिर में टाइम क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग बताते हैं कि भाई टाइमिंग जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का, वहाँ हम जाकर एनालिटिक्स पर जाके ऑडियंस वाले सेक्शन पर जाके, यहाँ पर यूट्यूब ने साफ साफ मेंशन करके रखा हुआ है कि आप इस टाइम पे वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो पर ज़्यादातर ऑडियंस एक्टिव रहेगी और इस टाइम पे एक्टिव रहती है। तो भाई देखो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो साफ साफ यूट्यूब ने यहाँ पर लिख कर रखा है, ये देख सकते हो पब्लिक टाइम इज नो नॉट नॉट टू डायरेक्टली अफेक्ट द लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस ऑफ अ वीडियो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं है कि अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपको वहाँ पर रीच मिलेगा, आपका वीडियो वायरल होगा, लॉन्ग टाइम तक नहीं है लिखा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ अ वीडियो, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ें समझ लीजिएगा, ठीक, जो चीज़ मैं आप समझाने वाला हूँ वो समझिएगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ ये YouTube ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन करके रखा, आप लोग ग्राफ देख के सोचो कि इस टाइम पर हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रीच मिलेगा, तो भाई ये कोई राइट टाइम नहीं है वीडियो अपलोड करने का, जो कि YouTube के एनालिटिक्स में दिया। ये सिर्फ और सिर्फ लाइव करने वालों के लिए यहाँ पर दिया, जो कि लाइव करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर वर्क करता है, लेकिन अगर जो लोग वीडियो अपलोड करते हैं उनके लिए यहाँ प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं। आखिर में फिर हम कैसे चेक करेंगे कि हमें वीडियो कैसे अपलोड करनी है? देखिए आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आप किस टाइम पे वीडियो अपलोड करें तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन जब आप ये चेक करेंगे ना किस टाइम पर हमारा वीडियो अपलोड करने का टाइम बेस्ट है, तो उस दिन आपको एक भी वीडियो अपलोड नहीं करना है। हाँ, मैंने बिल्कुल सही बोला कि अगर आपको चेक करना है कि कौन सा बेस्ट टाइम है वीडियो अपलोड करने का आपके चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चैनल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो सभी कैटेगरी का अलग अलग एक यूनिक टाइम होता है, अलग अलग कैटेगरी का एक सीक्वेंस होता है, टाइम होता है, तो वो लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने अपने टाइम पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी कैटेगरी का क्या है तो वो आप कैसे चेक करेंगे, लेकिन वो चेक करने से पहले आपको उस दिन एक भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं करनी होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो समझिएगा, आप देखिए मान लेते हैं कि आपका क्या है ना, आपका एक चैनल है, ठीक है ना, मान लेते हैं आपका चैनल कुकिंग का चैनल है या व्लॉगिंग का चैनल, मान लेते हैं व्लॉगिंग का चैनल है। अब आप वहाँ पर डे वीडियोस अपलोड करते हैं और आपके चैनल पर थोड़ा थोड़ा मतलब कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा, आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप बहुत डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो आप चेक कैसे करेंगे कि बेस्ट टाइम कौन सा जिस टाइम हम वीडियो अपलोड करें और हमारी वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अब मान लेते सुबह से लेके, सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक टाइम टेबल लिखते हैं, ठीक है ना, अपने में सुबह 6 बजे से लेके रात तक का टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। जब वो टाइम लिख लेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे सुबह 6 बजे कितना व्यूज़ आया हमारे में, 7 बजे कितना व्यूज़ आया, 8 बजे कितना व्यूज़ आया, 9 बजे कितना व्यूज़ आया, 10 बजे कितना व्यूज़ आया, इस तरीके से हम पूरा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम देख लेंगे, ठीक है ना। जिस टाइम पर, ठीक है ना, पूरा देख लेंगे, जितना भी टाइम का शेड्यूल है हमारा पूरा हम देख लिख लेंगे, उसमें सभी टाइम के आगे एक एक घंटे का ग्राफ देख कर व्यूज़ अकॉर्डिंग लिख लेंगे। जब हम ये लिख लेंगे ना तो हमें वहाँ पर क्या करना होगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर देखना होगा किस टाइम पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया, ठीक है ना, किस टाइम पर। अब हम इसमें से 3 टाइम देखेंगे, अब मान लीजिए बहुत से लोगों में 3 बजे के टाइम पर आया, बहुत से लोगों में 6 बजे के टाइम पर आया, बहुत से लोगों में सुबह 8 बजे के टाइम पर आया होगा, तो हमें उस टाइम को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जब हम नोट डाउन कर लेंगे इस टाइम को, अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं कि इसी टाइम पर ही हम अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है ना, ये एक प्रॉपर टाइम नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ उन चैनल के लिए जिन चैनल पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक ना, वो लोग ये चेक कर सकते हैं। अब जिनके चैनल पर 0 सब्सक्राइबर है तो आखिर में वो क्या करेंगे, वो कैसे चेक करेंगे? तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। सबसे बेस्ट टाइम होता है जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जितने भी सोशल मीडिया पे, अगर तो हमने उनके ऊपर एक थोड़ा सा नज़र डाली और देखा कि बेस्ट टाइम ये लोग वीडियो किस टाइम पर अपलोड करते हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े क्रिएटर, और उनका आखिर में टाइम क्या है वीडियो अपलोड करने का, ठीक है ना। तो मैंने उसको देखा, एनालाइज किया, तो मैंने ज़्यादातर ये देखा कि जितने भी बड़े बड़े फेमस क्रिएटर हैं वो उनका टाइम होता है सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करने का, ठीक है ना, सुबह 7 बजे से 10 बजे। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बहुत से लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बहुत से बच्चे अपने काम पर जा रहे होते हैं, बहुत सबका अलग अलग काम होता है, जो जाने का टाइम होता है, तो ज़्यादातर लोग एक्टिव होते हैं सुबह 7 से 10 के बीच में, ठीक है ना। तो ये एक बेस्ट टाइम माना गया है व्लॉगर के लिए, एजुकेशन चैनल के लिए, कुकिंग चैनल के लिए, ठीक है ना, डांस चैनल के लिए, और जैसे मान लेते आर्ट चैनल के लिए, इन सारे चैनल के लिए यहाँ पर एक बेस्ट टाइम माना गया है, ठीक है ना। अब दूसरा टाइम क्या है, मान लीजिए तो हमारा सुबह का टाइम हो गया 7 से 10 बजे का टाइम हो गया। अब हमारा दूसरा टाइम क्या है, वो दोस्तों टाइम है दोपहर का। दोपहर का टाइम मतलब कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम, 12 से 3 बजे टाइम का बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर लोगों का कोई ऑफिस में है तो वर्क कर रहा है तो उसका लंच होता है, कोई बच्चे की छुट्टी हुई है तो वो वापस आ रहा होता है, कोई कॉलेज से का छुट्टी हुआ होता है या फिर कोई अपने काम से वापस आ रहा होता है, इस तरीके से ऑडियंस एक्टिव होती है 12 बजे से 3 बजे तक का, ठीक है ना। ये भी एक बेस्ट टाइम माना गया है जहाँ पर हमारी वीडियो ज़्यादातर जो फेमस क्रिएटर हैं उनके जो व्यूवर्स होते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो वीडियो देखने के चक्कर में हमारी वीडियो भी उनके चक्कर में स्क्रॉल डाउन हो जाती है। जब शॉर्ट फीड में आ जाती है तो हमारी वीडियो पे भी व्यूज़ आना लगता है, जहाँ पर हमारे में अभी तक का 100-200 व्यूज़ आ रहा था, अब वहाँ पर 2-3 हज़ार 4 हज़ार व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही करते करते आपका और भी व्यूज़ आना स्टार्ट होता है, ऐसे ही 1-2 लाख 3 लाख आने लगते हैं, फिर धीरे से आपका चैनल ग्रो हो जाता है, इसी तरीके से वीडियो वायरल हो जाती है। अब बेस्ट टाइम, तीसरा बेस्ट टाइम कौन सा है, जो कि मैक्सिमम लोग बोलते हैं भाई इस टाइम पर अगर वीडियो आप अपलोड करोगे तो बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि आपने देखा मैक्सिमम जो पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक का। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग गेमर होते हैं, व्लॉगर होते हैं, कुकिंग चैनल होते हैं, एजुकेशन चैनल होते हैं, टेक चैनल होते हैं, आर्ट चैनल होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर एक्टिव होते हैं और इस टाइम पर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम लोग इस टाइम पर सारा दिन का काम ख़त्म करने के बाद अपने फ़ोन को उठाकर कोई एजुकेशन वीडियोस देख रहा होता है, कोई टेक्निकल वीडियोस देख रहा होता है, कोई आर्ट वीडियोस देख रहा होता है, कोई किसी तरीके का कंटेंट देख रहा हो, कोई कुछ नॉलेज के लिए सर्च कर रहा होता है, कोई टेक्निकल की चीज़ें सर्च कर रहा होता है। तो हर टाइम ये पूरे दिन का जो एक बिजी शेड्यूल होता है वो शाम को मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं, 80 से 90% लोग, जो लोग अपनी प्रॉब्लम का सलूशन सर्च करके यूट्यूब पर वर देखते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको इससे जिससे कि उनको उनकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाती है, वीडियो मिलती है। क्योंकि इस टाइम पर मैक्सिमम क्रिएटर एक्टिव होते हैं और अपनी वीडियो अपलोड करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, ठीक है ना दोस्तों। जो कि तीन बेस्ट टाइम मैंने आपको बता दिया, सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में आप वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है, अगर आप दोपहर में 12 से 3 के बीच में अपलोड करते हैं एक ये बेस्ट टाइम है, जिनके में 0 सब्सक्राइबर हैं उन चैनल के लिए भी है और जिनके में हजारों में सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी है। और फाइनली गाइस मैंने फिर आपको सारे तरीके बता दिए जो कि बेस्ट टाइम है वीडियो अपलोड करने के यूट्यूब पर, ठीक है ना, जो कि मैंने हर तरीके से एनालाइज किया और मैंने और भी बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं उनसे बात भी की, पूछा भी मैंने कि आखिर में किस तरीके से आप लोग किस टाइम में तो वीडियो अपलोड करते हैं। तो भाई यहाँ पे एक रेशियो निकल गया है जो कि मैंने आपको सुबह का बता दिया, मॉर्निंग का क्या है और आफ्टरनून का क्या है, इवनिंग का क्या है, सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अगर आपका 0 सब्सक्राइबर है तो आप बेस्ट टाइम यूज कीजिए, अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो फिर आप अपना जो भी आपका रेशियो चल रहा है 60-60 मिनट का, जैसे मैंने बताया 60-60 मिनट का आपको निकालना है, उस दिन वीडियो अपलोड नहीं करना है, 60 मिनट का पूरा ग्राफ निकाल लेना और देख लेना कौन सा टाइम पर वीडियो ज्यादा मतलब कि ज्यादा व्यूज आ रहा है, तो उन तीन टाइम पे आप किसी टाइम पे वीडियो अपलोड कर सकते हो तो आपको अच्छा खासा रीच मिलेगा वहां से, ठीक है ना। जो कि मैंने हर चीज एकदम आपको प्रूफ के साथ बताया, जो कि मेरा भी टाइम आपको पता है, मैं सुबह 8:15 पे वीडियो अपलोड करता हूँ और शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है 8-10 मिनट का, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है ना, आप 10 मिनट पहले डाल सकते हो, 10 मिनट बाद में भी वीडियो डाल सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती।
तो जो मैंने तरीके बताए उसको आप भी अपने चैनल पर एक बार अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, देखिएगा। तो आप भी अगर इस तरीके से काम करोगे तो 100% आपको फायदा मिलेगा और आप भी अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे सही तरीके से वीडियो अपलोड करके, ठीक ना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी किस तरीके की प्रॉब्लम है, आप चैनल यूट्यूब पर कहां किस तरीके कंटेंट बना रहे हैं, किसी तरीके अगर दिक्कत आती तो मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर मिलना है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरीके से मीटर रखते रहते हैं और आप लोगों को बुलाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। मिलता है किसी और वीडियो में, तक लीजिए, वंदे मातरम।